आज के समय में अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में जो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर रही है वो है भारतीय जनता पार्टी। हर जगह सिर्फ मोदी मोदी की ही गूंज है, और जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी ने दोबारा सरकार बनाई है तब से भाजपा देश के ज़्यादातर राज्यों में जीत का परचम लहरा रही है। दोस्तों, भाजपा की पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के बाद अगर किसी शख्स का नाम आता है तो वो हैं अमित शाह जी, क्योंकि बीजेपी की इस अपार सफलता के पीछे बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह जी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी से अमित शाह जी पहली बार 1982 में मिले थे। उन दिनों अहमदाबाद में कॉलेज में पढ़ते थे। मोदी उस समय संघ के प्रचारक थे। 1986 में वो भाजपा में शामिल हो गए। अमित शाह जी ने जी तोड़ मेहनत करके पार्टी को शीर्ष तक पहुंचाया। बताया जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पीएम मोदी के बहुत करीब थे। बात ये भी कही जाती है कि इस समय अमित शाह की रणनीति चलते हुए आज बीजेपी की देश में 19 से ज़्यादा राज्यों में भी सरकार है। खैर, आज हम अमित शाह के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि उनकी पत्नी के बारे में कुछ जानकारियां देने वाले हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। मुंबई में 22 अक्टूबर 1964 में जन्मे अनिल चंद्र उर्फ अमित शाह गुजरात के संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते हैं। राजनीति में आने से पहले वे प्लास्टिक पाइप का पारिवारिक जो बिजनेस है वही संभालते थे। अमित शाह की शादी वैसे तो 23 साल की उम्र में हो गई थी, और आपको ये भी बता दें कि शाह की अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन उन्होंने पहली बार जब वो अपनी पत्नी को देखने गए थे तब से उनका जन्मों जन्मों का प्यार हो गया था। अमित शाह की पत्नी का नाम सोनल शाह है, बेटे का नाम जय शाह है। अपने बेटे की शादी जय शाह की शादी बड़े ही धूमधाम से की थी। सोनल शाह भी एक आदर्श पत्नी की तरह ही हैं। अपने पति अमित शाह का हर अच्छे और बुरे समय में उन्होंने हमेशा साथ दिया है। बता दें कि अमित शाह की तरह ही उनकी पत्नी भी कई सारे बड़े बड़े काम करने में उनसे आगे रहती हैं। गौरतलब है कि अमित शाह की पत्नी ने बीजेपी की तरफ से पहली बार राज्यसभा चुनाव के दौरान जब अपनी संपत्ति का हलफनामा दिया था तो लोग हैरान रह गए थे। बता दें कि उनकी संपत्ति अमित शाह से भी 2.5 गुना से ज़्यादा है। बता दें कि साल 2017 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार अमित शाह की सालाना आय 40 लाख रुपए थी, जबकि उनकी पत्नी की सालाना आय 1 करोड़ रुपए तक बताई गई थी।